दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक नए और फिर वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीसी मेन स्टेडियम वर्ल्ड कप के 16वें मैच के बारे में, जो कि सुपर 12 का ये 16वां मैच होगा। एंड गाइस अगर हम बात करें ये मैच जो कि फिलहाल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के अगेंस्ट में खेला जाएगा, दोनों के बीच में खेला जाएगा। एंड गाइस अगर हम अपनी टीम की बात करते हैं किस प्रकार से बनाएंगे, यानी कि प्लेयर का सिलेक्शन, रिसेंटली परफॉर्म पिच रिपोर्ट, और जो कि ये मेलबॉर्न स्टेडियम में मैच होने वाला, तो मेलबॉर्न स्टेडियम में किस प्रकार से इंडिया या पाकिस्तान का स्कोर होता है, या तो किस बैट्समैन या बॉलर्स को हेल्प मिलती है, तो इस सारा कुछ हम क्लियर तरीके से जानने और बात करने वाले हैं। एंड गाइस थोड़ा सा डाउट है मैच से रिलेटेड, जैसे कि मैं आपको बता दूँ बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष हैं भाई, जो नए प्रेसिडेंट बने रोगर बिन्नी, उन्होंने कहा है कि भाई इसका फैसला इंडियन गवर्नमेंट लेगी कि खेलना है या नहीं खेलना है। आपकी क्या राय है, खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। चलिए फिलहाल हम बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन की और ग्रैंड लीग टीम की, क्योंकि अगर भाई स्टार्ट होता है यार तो उतनी जल्दी तो प्रेडिक्शन मिल नहीं पाएगा। तो आप लोग पहले से देख लीजिए, और अगर स्टार्ट होगा मैच तो फिलहाल कन्फर्म है यार टीम आप खुद से भी बना सकते हैं, और मेरी क्या टीम रहेगी वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड भी करने वाला हूँ। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको लाइनअप अनाउंसमेंट के बाद अपडेट है और जो प्लेयर का अनाउंसमेंट हो जाता है उनका भी मैं अपडेट यहाँ पे दे देता हूँ। टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करिए, सर्च बॉक्स में जाइए, एंड गाइस यहाँ पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम सर्च कर लेना है। एंड मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन करते हैं, जो मेरी टीम होती है, अगर आप उनसे खेलते हैं गाइस, तो एक बार मेरी टीम से आप खेलिए, एंड उसके बाद जो आपके बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर हैं जो या टेलीग्रामर जो आपको टीम प्रोवाइड करते हैं उनसे कंपेयर कर लीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ 100-150 पॉइंट्स जो मेरी टीम के हों वो एक्स्ट्रा ही मिलेंगे हर मैच में, मैं आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले पिन का मैसेज मिलेगा, ये देख लीजिए, ज्वाइन का मैसेज मिलेगा, यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। एंड टीम का परफॉर्म किस प्रकार से होता है गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ टीम, यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से टीम देता हूँ मैं, ठीक है, अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये मैं रियल पे क्यों आपको टीम प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लो कॉम्पिटिशन होता है, बाकी सारे प्लेटफॉर्म की टीम यहाँ पे मैं आप सेंड करूँगा। और रियल पे अगर आप खेल रहे हैं आपका लॉस हो रहा है गाइस, तो फिलहाल खेलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। बाकी लीडर बोर्ड भी 1 लाख का, अगर आप खेलते रहेंगे तो आप लीडर बोर्ड पे फर्स्ट पे आ गए तो इसका भी आप 1.5 लाख देखेंगे, 1.5 लाख विन कर लेंगे, उसके बाद तीसरे नंबर तक आ गए तो 1 लाख, मतलब अगर खेलेंगे भी उसका भी आपको पैसा मिलेगा। चलिए गाइस फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब ये वीडियोस को लाइक एम रखते हैं 20 रखते हैं, ठीक है, लाइक एम जो 20 है आप 20 जरूर कंप्लीट करवा देंगे। अब वीडियोस को आपको ध्यान से देखना है गाइस। अगर हम बात करते हैं मैच स्टार्ट कब होगा, तो 23 अक्टूबर को ये 1:30 पर स्टार्ट होगा। एंड अगर हम बात करते हैं इंडिया टीम के जो फिलहाल कैप्टन की, तो रोहित शर्मा कैप्टनसी करने वाले हैं, पाकिस्तान की बाबर आजम करने वाले हैं। एंड रिसेंट अभी वर्ल्ड कप 2022 का इन्होंने एक भी मैच नहीं खेला है गाइस। दोस्तों अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, तो लास्ट 3 ईयर्स में इन्होंने 3 मैच खेले हैं, जिसमें इंडिया ने 2 मैच विन किए हैं और पाकिस्तान ने 1 विन किया है। T20 वर्ल्ड कप 2021 के अगर परफॉर्म की बात करते हैं, आपको याद होगा वो मैच जो कि इंडिया ने फर्स्ट इनिंग बैटिंग करके 151 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पे, और पाकिस्तान ने विदाउट विकेट गवाए ही 152 रन बनाए थे और मैच को विन कर लिया था। और आपको पता होगा इस मैच का अगर थोड़ा सा परफॉर्म बताऊं, तो इंडिया टीम से जो कि ऋषभ पंत और विराट कोहली ने काफ़ी अच्छा स्कोर बनाया था, बाकी पाकिस्तान की टीम से ओपनर ने ही, जो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने ही विन कर लिया था गाइस। क्योंकि आपको ये भी थोड़ा सा पता है कि इंडिया की जो बैटिंग ऑर्डर है यार, तो वो कुछ समझ से नहीं खेलते, और पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं यार वो बिल्कुल दिल जाल लगा के खेलते हैं कि मतलब भाई विन करना ही है। और आपको पता है इंडिया टीम के जब सारे के सारे आईपीएल में ही अपना टाइम गंवा देते हैं, तो उस हिसाब से वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करता। बट यार इस मैच में बता दूं कि इस मैच में इंडिया ही विन करने वाली गाइस, आपको क्या लगता है कमेंट्स करके जरूर बताएं, ठीक है। पिच रिपोर्ट अगर हम बात करते हैं गाइस, थोड़ा सा पिच में आप ज़्यादा ध्यान दे लीजिए, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड में ये जो मैच होने वाला है, पिच की अगर बात करें तो बैलेंसड पिच होने वाली है, और पेस बॉलर्स के लिए थोड़ा हेल्प मिलेगी। अगर 100 में बात करें तो 60% पेस बॉलर, 40% स्पिन बॉलर्स को, ठीक है। और एवरेज की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे 150-160 तक का स्कोर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट इनिंग वाला। एंड उसके अगर हम बात करते हैं, इंडिया टीम जो यहाँ पे परफॉर्म कर चुकी खेल चुकी है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, तो फिलहाल 4 मैच खेले गए थे ऑस्ट्रेलिया के साथ में, तो जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 1 विन किया था और इंडिया ने 2, और 4th मैच जो कि था यहाँ पे थोड़ा सा उसका रिजल्ट नहीं आ पाया था, क्योंकि बारिश का आपको पता है कि अभी भी बारिश का मौसम जो कि बना हुआ है, ठीक है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है, दिक्कत बनी हुई है कि बारिश ना हो जाए कहीं, जो 23 अक्टूबर की जिस मैच की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो होप बारिश ना हो यार, मैच देखने को मिले और इंडिया विन करें। बाकी अगर हम बात करते हैं इंडिया के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो गाइस मैं आपको मेन चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको ध्यान रखना है। बाकी आप यहाँ पे फर्स्ट इनिंग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको खुद का काम आ जाएगा, अदरवाइज वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। केएल राहुल, रोहित शर्मा, ये दोनों के दोनों ओपन कर रहे हैं, ठीक है। रिसेंट परफॉर्म की अगर हम बात करते हैं, केएल राहुल का काफ़ी बढ़िया परफॉर्म था दोनों मैचेस में, आपने देखा यहाँ पे भी अच्छा कमबैक और यहाँ पे भी, और ये रिसेंटली परफॉर्म है, ठीक है। रोहित शर्मा अगर हम देख रहे हैं, तो रोहित शर्मा आप देखेंगे यहाँ तक फ्लॉप हैं, उसके बाद यहाँ पे पहले मैच में
इन्होंने 43 का स्कोर बनाया था। अगर हम बात करते हैं हेटवर्ड की, तो फिलहाल केएल राहुल का परफॉर्म जो होता है 31 रन 3 मैचेस में बनाए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट में, और 10 का एवरेज रहता है, तो मतलब फ्लॉप है पूरी तरीके से, ठीक है। और इस ग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो एक भी मैच इन्होंने नहीं खेला, ठीक है। रोहित शर्मा की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो फिलहाल रोहित शर्मा का जो स्कोर होता है पाकिस्तान के अगेंस्ट में कुछ अच्छा नहीं होता है, 10 मैच में 110 ही रन है और 15 का एवरेज है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे दोनों को दोनों फ्लॉप। ग्राउंड में अगर हम देखते हैं वेन्यू में, जो कि रोहित शर्मा का परफॉर्म 4 मैचेस में 68 है, 34 का एवरेज है, मतलब ग्राउंड में बढ़िया है। तो गाइस यहां पे केएल राहुल मुझे लग रहा है कि फ्लॉप होने वाले हैं, ध्यान रखें आप जिस हिसाब से मतलब इनका परफॉर्म है पाकिस्तान के अगेंस्ट में। रोहित शर्मा से थोड़ा उम्मीद आप कर सकते हैं, बाकी सभी टीम में आप दोनों को लेकर मत जाएं। तो अभी के लिए फिलहाल क्या करूंगा, मैं रोहित शर्मा को अपनी टीम में रखूंगा, केएल राहुल को ड्रॉप कर दूंगा। तीसरे नंबर पर आपको विराट कोहली मिलेंगे, जो कि 2021 के वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट में, 50 प्लस रन की पारी खेली थी। उसके बाद रिसेंट परफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको अच्छी पारी, यहाँ पे 49 रन, मतलब कि 2-3 मैचेस में ये अच्छे खासा स्कोर बना ही देते हैं। और रिसेंट जो कि आपने देखा काफ़ी अच्छे परफॉर्म में भी विराट कोहली चल रहे हैं, 9 मैचेस में 406 हैं हेड टू हेड यानी पाकिस्तान के अगेंस्ट, सबसे अच्छा स्कोर जब किसी का है तो भाई विराट कोहली का है, 67 का, ठीक है, पाकिस्तान के अगेंस्ट में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, और आप देखेंगे तो कैप्टन भी ट्राई कर लीजिए, मतलब टीम में तो रहेंगे और कैप्टन भी ट्राई। वेन्यू अगर हम बात करते हैं, वेन्यू में भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कह सकते हैं, यहाँ पे 90 रन बनाए 3 मैचेस में, काफ़ी अच्छा कह सकते हैं। और पाकिस्तान के केस में भाई 67 का एवरेज कोई छोटी बात नहीं हो सकती, ठीक है, तो मतलब टीम में हम रख लेंगे। सूर्य कुमार यादव की अगर हम बात करते हैं गाइस रिसेंट फॉर्म की, तो और एक चीज़ ये बताया मैंने कि आप फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग देख लीजिएगा। फर्स्ट इनिंग में देखिए जो कि खेलते हैं ये तो कुछ अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, यहाँ पे एवरेज जो कि यहाँ पे 39 का रहता है, सेकंड इनिंग में अगर आप देखेंगे तो 70 का हो जाता है, ठीक है। तो मतलब सेकंड इनिंग में विराट कोहली बढ़िया कर जाते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। बाकी यार अगेंस्ट में बढ़िया है, आप फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग दोनों में रखें, रिस्क भी ले सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन का। सूर्य कुमार यादव रिसेंट फॉर्म यहाँ पे देखेंगे 50, 52, 8, 61, मतलब कि आपने देखा है सभी मैचेस में बढ़िया कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पाकिस्तान के गेम्स में देख लिया है, तो 3 मैचेस में 42 रन है, 14 का एवरेज है, मतलब फ्लॉप है, ठीक है। तो ये थोड़ा देखने लायक चीज़ें होंगी, जो कि बहुत लोगों के सूर्य कुमार यादव को धनाक से भाई कैप्टन बना देंगे, तो ऐसा नहीं करना आपको बिल्कुल, ठीक है गाइस। तो आपको विराट कोहली रख लेना, सूर्य कुमार यादव को रखना चाहें तो रख सकते, 14 का एवरेज है यार, चलिए ठीक है रख लेते हैं, बाकी कोई ना, हम सूर्य कुमार यादव बैलेंसड भी है तो इसलिए मैं रख रहा हूँ सूर्य कुमार यादव, मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्क मैं बिल्कुल नहीं लेने वाला, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट में ठीक परफॉर्म नहीं है और इस पिच में इन्होंने एक भी मैच भी नहीं खेला। हार्दिक पांड्या की हम बात करते हैं गाइस, तो हार्दिक पांड्या जो कि आप मोहम्मद रिजवान को अगर बना रहे हैं कैप्टन, तो हार्दिक पांड्या के बारे में भी जान लीजिएगा, क्योंकि मोहम्मद रिजवान कैप्टन बनाने के लिए बता दूँ काफ़ी बढ़िया डिस्पेंशन जो है हार्दिक पांड्या का है, ठीक है। अब प्लेयर बटल अगर हम देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, अभी रिसेंट परफॉर्म हार्दिक पांड्या का देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं रहा है, फ्लॉप थे, यहाँ पे भी फ्लॉप थे, भले स्पेल कवर मिल रहे थे बट यार कुटाई कायदे से हुई है और विकेट नहीं मिल पाई है। तो हार्दिक पांड्या का परफॉर्म देखेंगे तो कुछ ठीक ठाक नहीं है, विकेट नहीं मिल पा रहे हैं, बट एशिया कप में आपने देखा है पाकिस्तान के अगेंस्ट में बढ़िया किया था। अब यहाँ पे बात करते हैं हेड टू हेड की, जो पाकिस्तान के गेंस में, तो भाई एवरेज तो ठीक नहीं है बैटिंग का, बट बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं बॉलिंग में ठीक है, 4 इनिंग में 8 विकेट पाकिस्तान के अगेंस्ट ले रहे हैं हार्दिक पांड्या, और सबसे ज़्यादा विकेट किसकी ले रहे हैं, मोहम्मद रिजवान की, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ बस। तो इस हिसाब से हार्दिक पांड्या हमारी टीम में रहेगा, बैटिंग का कंफर्म कह नहीं सकते क्योंकि बैटिंग में यार परफॉर्म कर नहीं रहा, और इस ग्राउंड पे भी इन्होंने खेला बट बैटिंग नहीं करी, बॉलिंग कराई है एक मैचेस में, ठीक है, वो लास्ट वाला मैच मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें एक विकेट भी इनको मिली है। ग्राउंड और अगेंस्ट में भी दोनों में बढ़िया कर रहे हैं, तो भाई टीम में रख लीजिए। और क्या है, विराट कोहली हार्दिक पांड्या आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, पहले ही मैं बता देता हूँ। दिनेश कार्तिक अगर हम बात करें गाइस, तो रिसेंट परफॉर्म में अध्यक्ष में बैटिंग भी करने आ रहे हैं, 10, 20, 10, 19, 46, 17, मतलब टीम में अगर रखना चाहे तो रख भी सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि विकेट के सेक्शन से कोई ऐसी नीड तो है नहीं कि हमें रखना ही पड़ेगा, मोहम्मद रिजवान तो है ही है, ठीक है, तो दिनेश कार्तिक को आप ड्रॉप कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं अक्षर पटेल की, और एक चीज़ ये भी क्लियर कर रहा हूँ, अगर फर्स्ट इनिंग इंडिया टीम बैटिंग कर रही है तो आप दिनेश कार्तिक को रख भी सकते हैं, क्योंकि हम केएल राहुल को ड्रॉप करेंगे, सूर्य कुमार यादव को भी मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगेंस्ट में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं, दिनेश कार्तिक को रखें जितने बैटिंग जरूर मिल जाएगी। अक्षर पटेल की हम बात करते हैं, तो अक्षर पटेल यहाँ पे रिसेंट 2-3 मैचेस में बिल्कुल फ्लॉप नजर आया, बट एशिया कप में काफ़ी अच्छा परफॉर्म था इनका, ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म था, विकेट लेकर के जा रहे थे, सॉरी गाइस एशिया कप में नहीं, वो थोड़ा सा गलती से इधर उधर हो जाता है, बाकी जो अभी मैचेस खेले इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म था, उसमें 2-2 विकेट 3-3 विकेट लेकर के जा रहे थे और अच्छा परफॉर्म था एक हिसाब से। अगर हम बात करते हैं ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे इन्होंने एक भी मैच नहीं खेला है, टीम में रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, नहीं क्योंकि स्पिन के लिए कुछ खास पिच कोई नहीं मिली, ड्रॉप भी कर सकते हैं अक्षर पटेल को। हर्षर पटेल की अगर हम बात करते हैं पेस बॉलर से गाइस, बट अगर हम परफॉर्म की बात करते हैं इनके, तो फिलहाल रिसेंटली कुछ आपने देखा है काफ़ी ज़्यादा कुटाई भी हुई इनकी और विकेट इनको बहुत मुश्किल से मिलती है, 1-2 विकेट यहाँ पे 1 विकेट, मतलब यहाँ पे लास्ट वाले मैचेस में 1 विकेट का कमबैक किया था, बट यार उतना अच्छा भी परफॉर्म नहीं कह सकते आप,
ठीक है, हर्षल पटेल का, तो आप रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, मेरे हिसाब से ड्रॉप कर दीजिए। भुवनेश्वर कुमार एक अच्छा प्लेयर, ठीक है, भुवनेश्वर कुमार को आप रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यार समझदार प्लेयर, काफ़ी पुराने प्लेयर हैं, उस हिसाब से हम रखेंगे। और जानी यार, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच भी खेला है, और उस हिसाब से अगर देखेंगे 6 इनिंग में 10 विकेट लेकर जा रहा, तो भुवनेश्वर कुमार को अपने टीम में आप रख लीजिए, ठीक है। और वेन्यू भाई इन्होंने बॉलिंग कराई और विकेट लेकर के जा रहा, तो भुवनेश्वर कुमार हमारी टीम में रहेंगे। अक्षर पटेल को ड्रॉप कर दीजिए, अक्षर पटेल को भी ड्रॉप कर दीजिए। अर्षदीप सिंह की अगर हम बात करते हैं, देखिए दिन में बॉलिंग भी कराता है और उस हिसाब से परफॉर्म अगर देख रहे हैं तो अच्छे खासा परफॉर्म में चल रहा है भाई अर्षदीप सिंह। बट अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने भी एशिया कप में खेला था, किस प्रकार से यार रन मतलब थोड़ा सा मसला हो गया था वो आपने देखा। बट हेड टू हेड में अगर हम बात करते हैं 2 इनिंग में 3 विकेट हैं, तो बट अच्छा परफॉर्म है, अर्षदीप सिंह को आप रख लीजिए। मोहम्मद शमी की अगर हम बात करते हैं, सभी लोगों की नज़र मोहम्मद शमी के ऊपर होगी और पेस बॉलर्स हैं, पिच भी साथ दे रही है। अगर हम बात करते हैं हेड टू हेड बॉलिंग की, तो इन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया पाकिस्तान के अगेंस्ट में, क्योंकि यहाँ पर परफॉर्म देखते हैं 2 इनिंग बॉलिंग कराई है इन्होंने, 1 ही विकेट मिली है। तो बहुत लोग रख रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यार आप कुछ भरोसा भी नहीं कर सकते, ठीक है, मोहम्मद शमी के ऊपर, क्योंकि जो टीम के अगेंस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ड्रॉप भी कर सकते हैं, बाकी मर्जी है, अगर आपकी रखना चाहते रखें, तो मैं ड्रॉप करूँगा, क्योंकि बहुत लोगों का क्रेज़ होगा मोहम्मद शमी के ऊपर, मैं ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। बेंच प्लेयर यहाँ पर दीपक हुड्डा, यजुवेंद्र चहल, ऋषभ पंत, रविचंद्र अश्विन मिलने वाले हैं आपको। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के प्रबल प्लेइंग के बारे में, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम जो कि कैप्टेंसी करने वाले हैं, मतलब ओपन करने वाले कैप्टेंसी, तो भाई बाबर आजम करने वाले, इतना सीरियस मत हो गया करिए आप लोग, ठीक है। मोहम्मद रिजवान अगर बात करते हैं, रिसेंट परफॉर्म यहाँ पे लास्ट वाले में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं था, बाकी आपने एशिया कप में देखा तो एक लंबी पारी खेले जाने के लिए जाने जाते हैं, तो उस हिसाब से टीम में तो रहेंगे भाई, ठीक है। और आपने ये देखा भी 2021 वाले वर्ल्ड कप में किस प्रकार से भाई नॉट आउट होकर के मैच को विन कर लिया था, तो बाबर आजम को भी रखेंगे बिना सोचे और समझे। अगर अगेंस्ट की बात करते हैं, तो हेड टू हेड में 3 मैचेस खेले हैं इंडिया के, जो कि मोहम्मद रिजवान ने 96 का एवरेज आया था, 193 रन बनाए, मतलब आप समझ सकते हैं भाई, ठीक है। तो उस हिसाब से मोहम्मद रिजवान को तो रखेंगे। बाबर आजम की अगर हम बात करते हैं, तो गाइस यहाँ पे बाबर आजम का जो परफॉर्म रहता है 3 मैचेस 92 है 46 का एवरेज है, तो उस हिसाब से ठीक नहीं है। बाबर आजम को कैप्टन वाइस कैप्टन मत लीजिए, मोहम्मद रिजवान का ले सकते हैं, बट वो मैं बताऊँगा हार्दिक पंड्या थोड़ा सा मुश्किल भी पैदा करेंगे उनके लिए, तो कैप्टन आपके फैंटेसी टीम के लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है। फखर जमन 3रे नंबर पर आपको मिलेंगे, और काफ़ी हिटर बैट्समैन है, सूर्य कुमार यादव के जैसे कंपेयर नहीं कर रहा, बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम इंडिया की टीम के अगेंस्ट इनका परफॉर्म देखते हैं गाइस, तो अच्छा नहीं कह सकते। 3 मैच में 25 ही का है, 12 का एवरेज रहता है, तो यार हर टीम में मत लेकर के जाइएगा, क्योंकि हमने भाई वहाँ पे देखा मोहम्मद रिजवान को रख रहे हैं विकेट के उसके, बाबर आजम को टीम में रख रहे हैं, और उसके बाद रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, सूर्य कुमार यादव को रख रहे हैं, तो फखर जमन को आप ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। भुवनेश्वर कुमार के लिए और अर्षदीप सिंह के लिए विकेट भी मिलनी है ना यार, हर्षल जो कि अक्सर अपना वो क्या बोलते हैं हार्दिक पंड्या भी रहेगा, तो उस हिसाब से विकेट मिलनी है। शान मसूद अब यहाँ पे बात करते हैं गाइस, तो फिलहाल शान मसूद एक अच्छे बैट्समैन हैं, बट बाकी अगर हम देखते हैं हेड टू हेड में इन्होंने एक भी मैच नहीं खेला, रिसेंट अगर आप देखते हैं 43 और 19 का इनका स्कोर है। और अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड टी20 मैचेस में, तो गाइस इनका 24 का एवरेज रहता है, टीम में ट्राई कर भी सकते हैं, बट बैटिंग पीछे नहीं है, बैलेंसड है यार, तो थोड़ा सोच समझ के ही खेलें आप लोग, ठीक है। इफ्तिकार अहमद जो कि आपको ऑलराउंडर से, और गाइस स्पिनर है, ठीक है, इफ्तिकार अहमद, तो बाकी आपने देखा इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत डाउन रहता है, और स्पिल के और कभी कभार हो जाता है 2-3, तो यार रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट मैं तो यहाँ पे बता दूं कि हेड टू हेड में परफॉर्म थोड़ा ठीक नज़र आ रहा है, कि एक मैच इन्होंने 2 मैच पहले खेले मैं बैटिंग करी 30 का एवरेज बनाया था, तो उस हिसाब से बाकी ज़्यादा टीम बना तो एक मिनट ट्राई कर लीजिए, बाकी ग्रैंड लीग में ना ट्राई करिए। आसिफ अली आपने देखा फ्लॉप है यार, बिना देखे ही मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। शादाब खान की अगर हम बात करते हैं, शादाब खान, मोहम्मद नवाज ये आपकी टीम में रखने चाहिए और रहने भी चाहिए। अगर हम बात करें इनके परफॉर्म की, तो भाई शादाब खान हेड टू हेड में 3 मैचेस खेले हैं, 10 रन है, एवरेज कुछ अच्छा नहीं है, बट विकेट यहाँ पे देखेंगे 3 इनिंग में 3 विकेट लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। और 4 ओवर स्पेल के कराने भी हैं गाइस, स्पिनर तो क्या हुआ टॉप क्लास स्पिनर है, और बैटिंग भी ठीक ठाक नंबर पर मिल जाती है। मोहम्मद नवाज की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो फिलहाल हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैचेस खेले, 43 रन बनाया, और एक मैच में आपको पता होगा कि मैच को मोहम्मद नवाज ने ही विन करवाया था, ठीक है। इनिंग की बात करते हैं, 2 इनिंग में बॉलिंग करी, 4 विकेट भी लेकर के जा रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंस, मतलब कैप्टन पिक, वाइस कैप्टन पिक फंटेसी एप्लीकेशन के लिए ये भी मोहम्मद नवाज भी हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए आप। बाकी विराट कोहली तो रहने ही वाले हैं, और बाकी नसीम सागर हम बात करते हैं, ये आपको थोड़ा सा पेस बॉलर्स मिलेंगे एंड डेथ में भी बॉलिंग मिल जाती है, और बाकी पावर प्ले में तो कन्फर्म है आना ही आना इनको। रिसेंट परफॉर्म अगर हम बात करते हैं, तो 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट और एशिया कप में आप देखा अच्छा खासा परफॉर्म था नसीम शाह का। और उसके बाद हेड टू हेड बॉलिंग की बात करें, जो कि इंडिया अगेंस्ट, इंडिया टीम के अगेंस्ट में 2 इनिंग बॉलिंग कराई है, 3 विकेट लेकर के जा रहा है, तो टीम में रखने लायक हो भी सकते हैं। आप सोच रहे हैं यार सबको मैं बता रहा हूँ रखने, तो यार गेस 2-3 टीम बनाता है, तो उस हिसाब से आप रख सकते हैं, साइंस आप रेडी। और आपने देखा था यार 3 विकेट लेकर गए थे T20 वर्ल्ड कप में 2021 वाले में, और केएल राहुल, रोहित शर्मा सभी इन्हीं के नाम थे। बाकी अगर हम हेड टू हेड की बात करते हैं गाइस, तो फिलहाल अभी इन्होंने बैटिंग बैट्समैन है तो बैटिंग करेंगे नहीं, और 1 इनिंग इन्होंने मैच खेला है पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट में, जिनमें 3 विकेट लेकर के गए हैं, ठीक है।
और ये 2021 वाली वर्ल्ड कप की थी। हैरी श्रॉफ अगर हम बात करते हैं, फिलहाल रिसेंट यहाँ पे देखेंगे कुछ अच्छा परफॉर्म देखने को मिला है, 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट। और हेड टू हेड अगर बात करते हैं जो कि 3 इनिंग में 2 विकेट है, कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं है, अब ड्रॉप भी कर सकते हैं हैरी श्रॉफ को। बाकी बेंच प्लेयर अगर हम बात करते हैं, खुशदिल साहब, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद वसीम, हैदर अली जो कि पाकिस्तान के बेंच के प्लेयर होंगे, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग का देख सकते हैं गाइस। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं टॉप पिक जो कि आपके टीम में होने चाहिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में, विराट कोहली अगर आप गाइस परफॉर्म देख रहे हैं, यहाँ पे 67 का एवरेज है, मोहम्मद रिजवान 96 का एवरेज है, बाबर आजम 46 का एवरेज है, शाहीन साहब रेड्डी 1 इनिंग में 3 विकेट लेकर के जा रहे हैं, ये मतलब इंपॉर्टेंट जो आपके टीम में होने ही चाहिए, भुवनेश्वर कुमार 6 इनिंग में 10 विकेट लेकर के जा रहे हैं, हार्दिक पंड्या 4 इनिंग में 8 विकेट लेकर के जा रहे हैं, मतलब ये 4-5 जो प्लेयर आपको बता रहा हूँ ये आपके टीम में जरूर होने चाहिए, कन्फर्म होने चाहिए, मतलब क्योंकि ये भाई आपको अच्छा परफॉर्म दे सकते हैं और ग्रैंड लीग विन कराएंगे, ठीक है। और टॉपिक अगर भाई वेन्यू की बात करते हैं जो इस ग्राउंड पे अच्छा कर रहे हैं, भाई रोहित शर्मा भी बढ़िया कर रहे हैं इस ग्राउंड पे, 34 के एवरेज के साथ खेल रहे हैं, विराट कोहली यहाँ पे इस ग्राउंड पे 90 का एवरेज के साथ खेल रहे हैं, अगेंस्ट में भी बढ़िया कर रहे हैं, तो मतलब आप समझ सकते हैं अगेंस्ट में 67 का एवरेज और यहाँ पे इस ग्राउंड पे 90 का, तो विराट कोहली को आप कैप्टन कर सकते हैं, ठीक है, मैंने बता दिया कि करना है तो करना है। अब यहाँ पे अगर बात करें हेड टू हेड वेन्यू तो विराट कोहली तो कन्फर्म है भाई, ठीक है। और डिस्पेंसर की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए हार्दिक पंड्या ने जो कि मोहम्मद रिजवान को आप सभी बनाने वाले हैं, हार्दिक पंड्या यहाँ पे बॉलिंग कराने वाले गाइस, और फिलहाल अगर हम इनके परफॉर्म की बात करते हैं जो कि इन्होंने कराया मोहम्मद रिजवान, तो दोस्तों जो हार्दिक पंड्या का डिस्पेंसर बता रहा हूँ मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट में, देखिए यहाँ पे 21 बॉल जो कि कराई है मोहम्मद रिजवान को हार्दिक पंड्या ने, 26 रन दिए हैं और 2 बार आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देने लायक रहेगा अगर आप सोच रहे हैं मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाना, तो हार्दिक पंड्या टीम में रहेंगे और आप समझ सकते हैं किस प्रकार से आपको कैप्टन बनाना है नहीं बनाना है। तो मैं तो नहीं बनाने वाला एक टीम में, क्योंकि मैं कैप्टन जो कि बनाने वाला हूं भाई विराट कोहली को, और वाइस कैप्टन भुवनेश्वर कुमार को भी बना सकता हूं, या तो मैं अपने जो यहां पे मैंने बताया है ये परफॉर्म ये भी देख सकते हैं आप, ठीक है, ये वाला ये मैं इस हिसाब से भी बना सकता हूं, बाकी जो टीम है चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों मेरी टीम आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरी टीम होने वाली है, और काफ़ी रिस्की लग रही हो कि आपको, बट मैं एक टीम से ये जाने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया टीम रहेगी और ये ट्रम्प कार्ड होने वाले हैं, ठीक है, ये दोनों आप देख लीजिए। और मैं दूसरे टीम में बता दूँ हार्दिक पंड्या के साथ जाऊँगा, एंड उसके साथ यहाँ पे मैं शाहीन आफरीदी को ट्राई करूँगा, और फिलहाल क्या करूँगा रोहित शर्मा को भी ड्रॉप कर सकता हूँ। और तीसरी टीम जो कि बहुत मुश्किल से पाकिस्तान अगेंस्ट जो फिलहाल सेकंड इनिंग बैटिंग करती है, तो मोहम्मद रिजवान कैप्टन, बाबर आजम वाइस कैप्टन कर सकता हूँ, ठीक है, ये मैंने फंटेसी टीम जो की होगी। बाकी एक टीम आप यहाँ पे देख लीजिए, 4 टीम जो आपको और प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन कर लीजिए गाइज। एंड फिलहाल आपको वीडियोस कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं, और कौन फिर फिलहाल यहाँ पे मैच विन करने वाला तो कमेंट्स करके जरूर बताएं, इंडिया या पाकिस्तान, ठीक है। और फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करके दोस्तों तक जरूर शेयर कर लें, एंड अगर आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो वीडियोस को दबा करके लाइक करके जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।